रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ तत्सवितुर्नरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम ही जाने अब इनका का होई। अरे भैया ये तो बहुत बड़ा कांड हो गए, अब तो बिजली गिरे बिजली। अरे चलो भैया दिखते का हुआ। प्रधान जी है यहाँ पर। तुझे पता नहीं है प्रधान जी कैसे हैं? छोड़ो उसको। प्रधान जी अब इनका फैसला आप ही कीजिए। क्या करें इन लोगों का, ये लड़की इस लड़के के साथ भाग रही थी, इन दोनों ने मिलकर इस गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इसके लिए इन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर और कोई लड़का लड़की ऐसी हिम्मत ना करे। प्रधान जी इन्हें ऐसी सजा सुनाइए जो इस गांव के लिए एक उदाहरण बने। ए, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे तुम? नहीं, प्रधान जी रोकिए ना उन्हें, बोले सुनील को मार देंगे जान से। प्रधान जी रोकिए ना उन्हें, प्रधान जी रोकिए उन्हें।
में सिंदूर वही सजता है जिसमें बड़ू का आशीर्वाद बसता है। प्रधान जी, इसे माफ दीजिए, बच्चों को माफ कर दीजिए। प्रधान जी माफ कर दीजिए, दोनों बच्चे बालिग हैं। प्रधान जी बालिग, माफी, हम पूरी रीति रिवाज से इनकी शादी करवा देंगे। प्रधान जी, हम आपके पाप पड़ते छोड़ दीजिए। मैं इनकी रीति रिवाज से शादी करवाऊंगा और आपके आशीर्वाद से करवाऊंगा। प्रधान जी बस इन्हें माफ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। प्रधान जी आप जैसा कहेंगे। हमारे गांव में प्रेम विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ है और न कभी होगा। खुशी ने जो गलती की है उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। क्या कर रहे हो? अगर इस लड़की का परिवार इस विवाह से सहमत है तो रोकने वाले तुम कौन होते हो? इन संबंधों का जमवाड़ा नहीं, गांव की पंचायत है। यहाँ पंचों की चौपाल पे जो फैसले होते हैं उसमें गांव के हित छुपे होते हैं। अगर आज हमने इसकी शादी स्वीकार कर ली तो कल न जाने गांव की कितनी लड़कियां गांव से भागकर शादी करेगी। गांव की बदनामी होगी और हमारे गांव में प्रेम विवाह के लिए कोई जगह नहीं है। ये हमारे नीति नियम है और हमेशा रहेंगे। इंसान टूटे, रिश्ते टूटे, वचन टूटे, पर नीति नियम नहीं टूटेंगे। कोई भी नियम अपनी सुविधा से बदल नहीं सकते। जो नियम इंसान को जानवर बना देना, ऐसे नियम को बदल देना चाहिए। रुकिए, आप हमारे प्रधान जी से ऐसे बात नहीं कर सकते। हमारे गांव के प्रधान जी से बदतमीजी करने वाले को इस गांव वाले नहीं छोड़ते। चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी का मुंडन होके रहेगा। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने इस लड़की को हाथ में लगाया तो मैं गांव में पुलिस बुला लूंगा, समझे? कोई हाथ नहीं लगा सकता। जहर अमित जी, क्या जरूरत थी आपको सबके पछड़ों में पड़ने की? अमित, हम किसी को मुसीबत में नहीं देख सकते, खासकर जब किसी मासूम पे अत्याचार होता है ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, भले ही हम शहर में रहते हैं लेकिन हमारी जड़ें तो इस गांव की मिट्टी से ही है ना, और जब कोई जड़ पे जहर लगाता है ना तो हमें बहुत तकलीफ होती है।
बदतमीजी है, क्या हो रहा है? मुंह बंद कीजिए। विद्या, निधि, आप लोग डरो मत। कुणाल संभाल के, एक मिनट, हम अभी आते। आप कुछ दिन के लिए हमारे गाँव आए और गांव के नीति नियम की तो धज्जियां उड़ा दी है। अरे लेकिन प्रधान जी के मान सम्मान का चीड़ फाड़ कर दिया आपने। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप लोग? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए नहीं। अमित जिगरी यार है हमारा, इसने एक भी खरोच आई ना तो समझ लेना हमला हम पे हुआ है। किसी ने हाथ भी लगाया ना तो बवाल मचा देंगे, बवाल। गाड़ी साफ करके घर पे ले गया। अमित तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये गांव में गुंडागर्दी कब से शुरू हो गई यार? अरे वो सब भूल जाओ, गांव आए थे तो घर क्यों नहीं आए? अरे मैं घर ही आ रहा था लेकिन रास्ते में हमला हो गया। मैं वो सब छोड़ो, चलो घर चलते हैं। चलो चलो बच्चे लोग, आ जाओ आ जाओ। अरे जया, अरे देख कौन आए हैं। लगता है प्रधान जी आ गए। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब। कैसी हैं? बहुत अच्छे, और आप लोगों को देख के और अच्छे हो गए। काफी टाइम के बाद आना हुआ मेरा। अमृता, अरे जया नई साड़ी है, महंगी है, गीला हो गया देखो। माफ करना अमृता, तुमसे मिलने की खुशी में साड़ी पे ध्यान ही नहीं किया। कोई बात नहीं, साड़ी नई आ जाएगी। वैसे हम भी बहुत खुश हो गए तुम्हें देख कर। अरे बच्चे भाभी, वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही। भाई साहब वो स्कूल गई है, वक्त लगेगा आने में, तब तक आइए ना, चाय नाश्ता कीजिए, आइए। अभी आपके हाथ की मोयम वाली पूरी खाए बहुत टाइम हो गया, तो आप भी बना देते। आज खिला दीजिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी। माँ मुझे भूख लग रही है। आ रहा बेटा खाना, अभी आ। ये बात ये लो बेटा। अरे बाप रे, ये तो बहुत तेल है इसमें जया, अब देखो ना ऊपर से बह रहा। हम नहीं खा पाएंगे, वो क्या है कि आजकल डाइटिंग शाइटिंग चल रही है ना, तो कोई बात नहीं अमृता, अब भी गर्मा गर्म रोटियां सेक देते हैं तुम्हारे लिए। अब कोई बात नहीं, अब कहा रोटियां बनाने बैठोगी तो खा लेंगे पूड़ियां हम। लाओ ना चलती। डालो और दो डालो। भाभी जी, शहर का रंग आप पे खूब चढ़ा है। विनोद, अगर तुम ना होते ना तो हम शहर कहाँ जा पाते? तुमने हमें बिल्कुल शहरी बना दिया। अगर तुमने पैसों से हमारे बाबूजी की फैक्ट्री ना बचाई होती ना तो ना जाने आज हम कहाँ होते। अतीत को छोड़ो, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने कर्ज दिया, तुमने उतार दिया, बात खत्म। एहसान तो तुमने किया है, हाँ कर्ज चुकाया जा सकता है लेकिन एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। दोस्त भी कहते हो और एहसान की बात भी करते हो। चलो खाना खाओ। भाभी आज तो आशी का जन्मदिन भी है ना? तो याद है आपको? अरे आशी का जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसे लगा भूल गए, दो दिन से गांव में और मिलने नहीं आए, बहुत नाराज है आप। देवियों और सज्जनों, आप देख रहे हैं विद्यालय की दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली है, सारे बच्चे मैदान में उतर चुके हैं, तो तालियों के साथ बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाइए। प्रतियोगिता शुरू होने में बस 3 सेकंड, 1, 2, 3 और ये प्रतियोगिता हो गई शुरू। राशि ने अपना झंडा गाड़ ही दिया, तो आज का ये मान, आज का ये सम्मान, आज की ये जीत, ये प्रतियोगिता होती है आशी के नाम। आशी तू जीत गई ना, हमें बहुत खुशी हो रही है, हमें लग रहा है हम सब जीत गई। आशी कभी हारती है क्या? जय श्री राम। तुझे पता है तूने लड़कों को भी हरा दिया?
हम लड़की किसी से कम है क्या? हमारी आशी तो बड़ी सयानी हो गई। आशी, आशी मेरी बात सुन बेटा। आशी, क्या हुआ? तू अपने पापा से नाराज क्यों? हमने ऐसा क्या किया है? आप हमसे मिलने नहीं आए। हाँ भाई, ये गलती तो हमसे हो गई। अच्छा, हम का माफी दे दियो। वैसे एक बात है, तेरा गुस्सा ना बिल्कुल तेरे बाबा जैसा है। बाबा जैसा नहीं है, माँ जैसा है। मीठा वाला गुस्सा। मीठा वाला? तो ठीक है, फिर हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आशी के लिए मीठी मीठी चॉकलेट। ये सब हमारे लिए? अरे पगली, इतनी सारी चॉकलेट खाएगी तो तेरे दांत में कीड़ा लग जाएगा। आज तेरा जन्मदिन है ना, तो ये सब तेरे दोस्तों के लिए, तो दोस्तों को बांट दे, ठीक है? और हाँ, शाम को अपने जन्मदिन पर अपने सारे दोस्तों को घर पे बुलाओ। दावत है। लेकिन कल तो हमारा इम्तिहान है। तुम्हें तो सब याद है ना, तो आज तुम दावत कर सकती हो। क्या बात है, आज दावत होगी। जी लाई। ये दावत वावत की क्या जरूरत थी? अमित भाई साहब ने पूरी तैयारी की है। ये अमित बिना आशी को बिगाड़ के रख देगा। आज आशी का जन्मदिन और आपने एक बार भी उसे बधाई नहीं दी। पराई जान को बधाई नहीं, बिदाई देते हैं। बेटियां पराई अमानत होती हैं, एक दिन पराई कर जाएगी। और ये मत भूलो, आशी एक लड़की है। बेटी है। हाँ हाँ बेटी, पराई कर जाएगी। मायके से उसका इतना मोह रहा तो ससुराल क्या संभालेगी। इसलिए पराई शिशु को उखाड़ते वक्त जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, ताकि उखड़ते वक्त तकलीफ ना हो। याद रखना, आशी पराया धन है। ज़्यादा क्यूट है। नहीं, मेरा डैडी ज़्यादा क्यूट है। तुम पराया धन हो, ससुराल जाओगी, यहाँ सब कुछ मेरा है। सुना है? बेटा तुम्हें ये किसने सिखाया अपना पराया? माँ ने। नहीं बेटा, जितना ये घर तुम्हारा है ना, उतना ही इन दोनों का भी है। शादी के बाद लड़कियाँ कभी भी पराई नहीं होती, बल्कि एक नए परिवार को अपना बनाती है। मैके की दहलीज से ससुराल की दहलीज को जोड़ती हैं, दो घरों को एक करती हैं। ऐसा होता है लड़कियों का जीवन, समझा मेरा बुद्धू राम? अब खेलते रहोगे क्या? अरे आशी कहाँ जाना है बर्थडे पार्टी का केक खाने? अरे वाह, इतना सुंदर केक, और इस पे तो हमारा नाम भी लिखा है। मैं तो मेरे बर्थडे पे हर साल केक कट करता हूँ, तुम क्या पहली बार क्यों काट रहे हो? हाँ पहली बार। इसीलिए तो इतनी खुश हो, पहली बार केक काट रही है। आशी, कल से आपके एग्जाम शुरू है ना, तो अपना हर पेपर इस पेन से लिखना, ये हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अरे वाह, इतनी सुंदर पेन, इससे तो हम सारा पेपर बहुत अच्छे से लिखेंगे। चलो अब जल्दी से केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ashi. Pradhanji! 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 प्रधान जी, कहाँ हो गया हमारे बेटे के साथ आपने ये काम कर दिया? सुबह आप ब्याह के लिए मान गए होते तो ये ऐसा अपनी जान नहीं देते, कभी नहीं देते। मर गए रे मेरी बिटिया।
बेटियां चली गई, हमको माफ कर दियो, हमको चुना कर पाए। अब कैसन प्रेम, कैसन ब्याह, कैसन रिवाज, कैसन पंचायत, कैसन पंच, कैसन सजा, कैसन सजा और कैसन माँ। जन्म दे के मार दिया ना, इसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम। आशिक, आशिक, आशिक। शहर भेजा था ना पढ़ने के लिए, पढ़ाई की जोत नहीं मौत कमा कर आई है, जीना नहीं मरना सीख के आई है। अगर तुम इसे पढ़ने के लिए शहर नहीं भेजती तो आज ये इस तरह से नहीं मरती। प्रधान जी, इका मुंह से तो आग उगलते फूल जड़ रहे हैं। फूलों का मौसम तो आपके घर में भी है, बेटी का जीवन तो आपके घर में भी है। कल को ये बड़ी होगी और शहर बढ़ने जाएगी, किसी से प्यार हो गया तो क्या करेंगे प्रधान जी? अपनी बेटी के साथ भी यही करेंगे आप? रीति रिवाज के लिए उसका दिल, उसकी सांसें, उसका सपने, सब कुछ अब तोड़ देंगे, तोड़ देंगे आप। अगर बेटियां पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिलाती हैं, तो आज हम पूरे गांव के सामने ऐलान करते हैं कि आज से हमारी बेटी नहीं पढ़ेगी। को एग्जाम में बैठे दीजिए ना। अमित भाऊ, हम भी चाहते हैं कि आरशी एग्जाम दे, हमारी सबसे जीनियस स्टूडेंट है ये, लेकिन प्रधान जी ने पूरे गांव में ऐलान किया था कि वो आरशी को आगे नहीं पढ़ाएंगे। अगर हम आरशी को एग्जाम देने देंगे तो प्रधान जी बहुत गुस्सा होंगे। मैं विनोद का गुस्सा समझता हूँ, बिल्कुल दूध के उफान जैसा है। अब बेफिक्र रहिए, दो दिन में शांत हो जाएगा, लेकिन अगर आरशी ने एग्जाम नहीं दिया ना तो इसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसे एग्जाम देने दीजिए। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। टाइम हो गया, पेपर जमा करो। कहा था ना पढ़ाई नहीं, थोड़ा बवाल मचा देंगे। बवाल अरे अरे क्या कर रहे हो प्रधान जी, रोकिए नहीं। अरे अरे क्या कर रहे हो बच्चे, प्रधान जी। क्या कहा था हमने, पाठशाला की दहलीज पर आकर पाठ नहीं पढ़ोगी? तुमने इसे परीक्षा देने क्यों दी?
प्रधान का मान क्यों नहीं किया तुमने? प्रधान जी मेरी बात सुनिए। विनोद ये सब क्या कर रहे हो तुम? हम वही कर रहे हैं जो हमारी बेटी के लिए सही है, जनता जनार्दन के लिए, रीति रिवाज के उदाहरण के लिए। धर्म सनातन कर्म ही बेटी का जीवन है, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आज गांव का प्रधान नहीं एक पिता कह रहा है, आज से मेरी बेटी नहीं पड़ेगी, नए जमाने में कदम नहीं रखेगी, नीति नियम में रहेगी और नीति नियम में पलेगी। रुक जा विनोद, क्या हो गया है? क्यों अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करने पे तुले हो? उसे पढ़ने दो। विनोद बनाए रीति रिवाजों के लिए तुम अपनी बेटी का भविष्य खराब कर दोगे? अरे गांव वाले तो कुछ भी कहेंगे। गांव वाले जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मिलो तुम पागल हो गए? अरे तुम्हारी बेटी के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो तुम्हारे अंदर का पिता भर गया क्या? अरे पिता होने के नाते क्यों अपनी बेटी के सपनों को तोड़ रहे हो? उसको आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे हो? गांव के इन पुराने रीति रिवाजों के लिए अपने बेटी का भविष्य खराब मत करो। अमित तुम बीच में मत पड़ो। क्यों ना पड़ो? आखिर आशी मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी होना और बेटी होना दोनों में बहुत फर्क है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो ये गांव वाले तुम्हारे मुंह पर नहीं हमारे मुंह पर थूकेंगे, और ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। इज्जत से जो इज्जत कमाई है ना उस पे तमाचा लगने नहीं देंगे। कल को आशी ससुराल जाएगी ना वहां उन लोगों की जो मर्जी उससे कराए, उसे पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे, घर बिठाना होगा बिठाएंगे। पागल हो गए पागल, हमारा दिमाग खराब हो गया। अब इसे तुम दिमाग खराब समझते हो तो दिमाग खराब ही सही, लेकिन हमारा एक ही जवाब है, अब उसे जो करना होगा वो ससुराल जाने के बाद ही करेगी। अब हम उसे यहां कुछ नहीं करने देंगे। कल को कुछ हो गया ना तो कोई लड़का इसका हाथ नहीं थामेगा। अगर कोई लड़का उसका हाथ नहीं थामेगा तो हम अपने कुणाल की शादी आशी से करवाएंगे। अब तो खुश, अब तो उसे स्कूल जाने दोगे? वक्त के साथ सारे रंग फीके पड़ जाते हैं, सारे वादे दुबले पड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। कल कुणाल को और कोई पसंद आ गई तो? आज शुक्रवार है, अगले दो दिन के बाद सोमवार को आशी का दूसरा पेपर का एग्जाम है। बोलो कराओगे दो दिन के अंदर शादी उससे? बोलो कराओगे शादी उससे? बात करते हो, जाओ जाओ अपने घर जाओ, हम संभाल लेंगे अपनी बेटी को। जैसे पूरा गांव संभालते हैं वैसे ही बेटी को भी संभाल लेंगे, और हम उन दोनों का प्यार रचा देंगे। अगर आशी के आगे पढ़ने की यही शर्त है तो हमें ये शर्त मंजूर है। आशी और कुणाल की शादी दो दिन में करेंगे, दो दिन। बाबा हम कभी नहीं पढ़ेंगे। अमित काका के बेटे कुणाल से शादी करनी होगी, वो भी सिर्फ दो दिनों के अंदर। ये साइकिल मेरे लिए। कुणाल कोई बचाइए ना, हमारे बच्चे को बचाइए। कुणाल ये क्या कर रही हो तुम? मनौती कहीं की यहाँ बैठकर खाना ठूसने आई हो तुम? क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि हमारे बेटे को बचाने के बजाय इन्होंने तुम्हें डूबने से बचाया। अब आइंदा से याद रखना कि ये सब नहीं करना है। जिस रिश्ते का कल ना हो उसके लिए तुम अपना आज क्यों खराब करती है? हमारा अतीत, हमारा आज, हमारा होने वाला कल सब आप और काकी है। आप खुश हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ जाएगी। खुश रहो।